गर्भवती बीवी है उसको बंदूक के नोक पे रात के नापी करके सेन करवा लिया और गर्भवती महिला को मार के बचा। साइन करवाया? सेन करवाया मुखिया वहाँ का सरपंच। रात में 12 बजे नापी किया और मैं बीवी को कहा जल्दी साइन करो, कहो मेरा जमीन है। तो नहीं करा था, मार के बच्चा खत्म कर दिया पेट के अंदर में। पेट के अंदर ही बच्चा था वो? जी जी जी, मर गया बच्चा। तो 4 दिन बाद हम आए तो फिर वहाँ वो घटना कर दिया सहरसा बस्ती में। ये चाकू लगा हुआ है सर, चाकू लगाओ, चाकू मार दिया वहाँ के गुंडा, वहाँ का मुखिया जो है ना। हाँ। मेल में आकर के हमारे गांव के मुखिया मिला करके चाकू चला दिया। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में। आपको बताते हैं कि यहाँ के लोग आ रहे हैं अपनी फरियाद को लेकर, लगातार पहुँच रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं मगर मिल नहीं पा रहे हैं। एक भाई साहब हैं हमारे साथ, उनसे बातें करते हैं, जानते हैं कि पूरा मसला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद आलम है, मौलवी इरशाद आलम। मेरा घर पड़ता है बरिया कमाल वार्ड नंबर 7 पोस्ट बलभद्रपुर भाया बलोया जिला सुपौल बिहार के रहने वाला हूँ। आप बोल रहे हैं कि आप करीब 15-20 दिनों से घर नहीं गए हैं, क्या मामला? नहीं, मैं 2 महीना घर नहीं गया। 2 महीना से क्या है पूरा मामला, क्यों नहीं जा रहे हैं घर? मैं घर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा ज़मीन जो है रात में वहाँ का अमीन, वहाँ का सरपंच, वहाँ का मुखिया, वहाँ का जो है द्वितीय पक्ष जो है पैसा दे करके थाना को खरीद करके, यानी हम रात में नापी कर रहा था। हम चंडीगढ़ में गए थे कमाने के लिए, तो मैं उधर से आ रहा था। परिवार जो है हमारा हुसनारा नाम है, वो गर्भवती बीवी है, उसको बंदूक के नोक पे रात के नापी करके सेन करवा लिया और गर्भवती महिला को मार के बचा। साइन करवाया? सेन करवाया मुखिया वहाँ का सरपंच। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया तौहीद आलम नाम है। तौहीद आलम। अब सबका नाम इस्माइल है। इस्माइल है जी। अमीन का नाम है सतीश, नाम है सतीश शंकर नाम है जो अमीन है, जो जमीन का नपैया करता है शंकर कैश नाम है जी। रात में 12 बजे नापी किया और मैं बीवी को कहा जल्दी साइन करो, कहो मेरा जमीन है। तो नहीं करा था, मार के बच्चा खत्म कर दिया पेट के अंदर में। पेट के अंदर ही बच्चा था वो? जी जी जी, मर गया बच्चा जी। तो मैं आवेदन दिया ले करके, मुझे भी मारा, मुझे साइलेंस कर दिया। आवाज़ 72 घंटे में आई है। तो मैं सुपौल में भर्ती था, वहाँ नहीं गछा तो सहरसा में आए, वहाँ की रिपोर्ट अभी लगा हुआ इंजरी रिपोर्ट। तो फिर हम गए SP के पास में, SP कहा जाओ थाना। हम थाना गए तो 10 लाठी मारा थाना वाला। उल्टा आपको मारा? जी, बीरपुर थाना मंडल जी है जिसका नाम है मंडल। शिकायत सुन के मारा या शिकायत सुनने से पहले मारा? नहीं, शिकायत पैसा खा लिया था घूस पहले। उसको पहले से पता था कि मसला क्या? हाँ, मसला था कि उसका जमीन जो हकीकत में है जी। तो पैसा ले लिया हमसे 5,000, उसे लिया 2 लाख का। वहाँ का मंडल का नाम है, मंडल दरोगा मंडल नाम है। उसके बाद वहाँ से हम आया SP के पास में, SP कहा जाओ वहाँ जाओ, जिला जाओ। हम GML किए थे जो श्री डिब लांडे बावन डाव के पास गए जी। तो वहाँ जाने बाद तो कुछ नहीं सुनवाई किया, तो उसका नौकर लोग जो है ना वो कहा देखो तो 4 दिन के बाद आना। तो 4 दिन बाद हम आए तो फिर वहाँ हमको घटना कर दिया सहरसा बस्ती में। ये चाकू लगा हुआ है सर, चाकू लगाओ, चाकू मार दिया वहाँ के गुंडा, वहाँ का मुखिया जो है ना। हाँ। मेल में आकर के हमारे गांव के मुखिया मिला करके चाकू चला दिया। मैं फिर सहरसा अस्पताल आए और फिर गए लांडे के पास में, तो लांडे नहीं था, जो वहाँ का वर्कर होता है, जो वहाँ का लीडर होता है जिसका नाम है बिरुंद बाबू। हाँ। जो पटने में घर है वो का 10 दिन में आना। फिर हम आए तो उसका नंबर दिया है, GML का नंबर है यानी 18-24 है। फिर DM का नंबर है सुपौल वाला का 93/1 है, 397/1 है। वो सब नंबर हम रिसीव किए हुए हैं, प्रतिलिपि लगाए हुए हैं। उसके बाद हम कहाँ गए तो इसी पास में DM का आदेश अनुसार जाओ गुपने शाखा में, तुमको काम हो गया है। तो वो हमको दे दिया नंबर लिख करके। तो हम आए कहाँ, DIG के पास में आए, जो लांडे बावन राव है, कहा जाओ तुमको नंबर देता हूँ। तो वो नंबर दिया 18-24 नंबर है। तो वहाँ से हम गए कहाँ, तो जिला सुपौल। तो DM के आदेश अनुसार हम गए तो उसका नंबर है 97/1 है। वहाँ गए इसी पास में, जो हम 4 बार मरा दरोगा दिनाथ मठ जिसका नाम है बीरपुर थाना का दरोगा का नाम है मंडल जी है। मंडल जी आपको मारे थे? दिनानाथ मंडल है। हाँ। वो हमको कहा SP जाओ, हम सर वहाँ नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाओगे अभी दिखा देंगे तमाशा। तो SP हमको कहा जल्दी भागो यहाँ से। तो हम डर के मारे हम वहाँ नहीं गए सर। श्रीमान SP भी भगा दिया? भगा दिया। तो मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं मंत्रालय में आया हूँ श्रीमान जी। यहाँ आने के बाद में हमको खाने का जुगाड़ नहीं था, तो मैं 8 तारीख को ये स्टेशन में सोए हुए थे जहाँ तिरंगा झंडा लहराया हुआ है। मुझे वो पार्टी आ करके नशा दे करके, जो रियली मोबाइल होता है जिसे कीमत है 16,000, और मेरे पास पैसा था सब चोरी कर लिया। चोरी कर लिया। हम आए ये फोर्स करने के लिए। यहाँ आवेदन किया है?
आवेदन दिए हैं, लेकिन लोग शिकायत में किए हैं। कब किया? हम 8 तारीख किए हैं। 8 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना है तो क्या बोला गया? वो जब गए तो 8 तारीख को दिए हैं रिसीविंग। हाँ। तो उसका रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। हाँ। तो उसका जो वर्कर होता है, ये आप बता रहे थे कि इंजरी पेपर आपके पास है, कहाँ है? ये बता रहा हूँ, ये दरोगा फाड़ दिया था, जो सदर दरोगा फाड़ दिया था, शाहिद आलम नाम है। हाँ। जो वहाँ बड़ा थाना नहीं है सुपौल में। हाँ। तो 10 लाठी मारा, वहाँ से भगा दिया। वहाँ 17 तारीख को आग लगी थी रेल के अंदर में, तो मैं वहाँ सो रहा था। अब क्या दो बार चोरी हुआ? अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये हम मंत्री पास में आए हैं, 8 तारीख को हमको रिसीविंग दिया है, प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है। हाँ। तो फिर मैं जाने चाहता हूँ, तो जाने के लिए अभी हमको आप ऑर्डर दीजिए, फिर जाऊँगा मैं। डीजे मकान भी तोड़ा किया है क्या? मकान तोड़ कर, यानी 12 रूम का मकान तोड़ करके अपना मकान बनाया। बना लिया। हमारा 19 आदमी में एक आदमी नहीं मिल रहा है। कोई PMCH में है, कोई इंदिरा में है, कोई नेपाल सिलीगुड़ी में है, सबको मारा भी है। कोई आदमी की लाश नहीं मिला। मैं घर नहीं जाता हूँ, घर नहीं जाने दे रहा है सर। मैं बकरीद का त्यौहार नहीं मनाया हूँ, मैं स्टेशन में रहता हूँ, कोई खाने के लिए नहीं देता है। मैं 3-3 दिन भूखा रह जाता हूँ। मैं 2 महीना 10 दिन से घर नहीं गए हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ एक शख्स थे जो डर से घर नहीं जा रहे हैं, 2 महीना से ऊपर हो गया, कपड़ा दूसरा दिया है। आपको बताते हैं कि बकरीद का त्यौहार था, मगर फिर भी जो है वो जा नहीं पाए, नीतीश कुमार के जनता दरबार पे आए हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इनका जो है ज़मीन पे कब्जा कर दिया गया। इनकी प्रेगनेंट बेबी थी जिनको मारा गया, जिनके पेट में बच्चा था, वो भी इंतकाल कर गया। और ये जो है भागे हुए हैं, इनको भी बुरी तरीके से मारा गया था, मगर ये भागे हुए हैं। अभी गुहार लगा रहे हैं न्याय की। अब पहुँचे नीतीश कुमार के जनता दरबार, अब देखना ये है कि इन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। ये आपने जो आवेदन डाला है 8 जुलाई का आपका आवेदन, ये कहाँ का है आपका? मानवाधिकार का है। 5 तारीख का ये भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। तो देखिए, जहाँ भी जा रहे हैं इनका कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। इनका यह भी कहना है कि जब नज़दीकी थाना में गए तो वहाँ कोई मंडल नाम के जो है थाना अधिकारी थे जिन्होंने इन्हें मारा और मार कर भगा दिया। अब पहुँचे नीतीश कुमार के जनता दरबार, देखना है कि अब सुनवाई इनका होता है कि नहीं। इसी तरह तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्भवती बीवी है, उसको बंदूक के नोक पर रात का नापी करके सेन करवा लिया और गर्भवती महिला को मार के बच्चा साइन करवाया। सेन करवाया मुखिया वहाँ का सरपंच, रात में 12 बजे नापी किया और मैं बीवी को कहा जल्दी साइन करो, कहो मेरा ज़मीन है, तो नहीं करा था, मार के बच्चा ख़त्म कर दिया पेट के अंदर में। पेट के अंदर ही बच्चा था वो? जी मर गया बच्चा। तो 4 दिन बाद हम आए तो फिर वहाँ वो घटना कर दिया सहरसा बस्ती में। ये चाकू लगा हुआ है सर, चाकू मार दिया वहाँ के गुंडा, वहाँ का मुखिया जो है ना। हाँ। मेल में आ करके हमारे गाँव के मुखिया मिला करके चाकू चला दिया। गर्भवती बीवी है, उसको बंदूक के नोक पर रात का नापी करके सेन करवा लिया और गर्भवती महिला को मार के बच्चा साइन करवाया। सेन करवाया मुखिया वहाँ का सरपंच।